कानपुर के थाना रेल बाजार इलाके के कैंटलाल डिग्गी क्षेत्र में पुलिस की संयुक्त टीम ने 25,000 के इनामी गैंगस्टर अपहरणकर्ता को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और बदमाश के बीच भी मुठभेड़ में थाना प्रभारी विजय दर्शन बाल बाल बच गए। पुलिस घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आई है। श्रवण कुमार ने बताया कि एक सप्ताह पहले मुकदमा दर्ज हुआ था कि एक लड़के का अपहरण हुआ है जो कि अपने माँ का इलाज करा रहा था। उसी दौरान अपहरण हुआ था, मारपीट कर घायल कर छोड़ दिया गया था, जिसे 307 धारा मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जब छानबीन की तो पाया आरोपी बलराम राजपूत पुराना हिस्ट्री सीटर अपराधी है। उस पर 25 संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। उसका साथी शहर का बड़ा स्मैक तस्कर और मादक पदार्थ का कारोबारी है। रेल बाजार और कैन पुलिस की संयुक्त टीम के साथ एसटीएफ ने मिलकर ऑपरेशन चलाया, जिस पर मुखबिर से सूचना मिली कि देर शाम अभियुक्त बलराम राजपूत इधर उधर देखा जा रहा है। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो बलराम राजपूत ने पुलिस पर फायरिंग की, जिससे थाना अध्यक्ष रेल बाजार विजय दर्शन बाल बाल बच गए। थाना अध्यक्ष विजय दर्शन बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिस कारण वो बच गए। अभियुक्त को उपचार के लिए सरकारी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और छानबीन की जा रही है। गुंडा है और स्मैक का बहुत बड़ा सप्लायर था। इसमें एक हफ्ता पहले इसी के एक साथी ने मुकदमा लिखाया था और जिसपे 364 भी लगी थी, 80 भी लगी थी। हमारी थी हमारे रेल बाजार तो कैंट सभी लोग लगे हुए थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सर का जो दर्शन के तहत जो भी एडिलियस या नार्कोटिक्स या ड्रग्स में जो लोग लिप्त हैं उन पर सख्त विदेश ने पूरी टीम लगाई कि एक हफ्ते से ये लोग लगातार वाच कर रहे थे, उसके मूवमेंट की नज़र रख रहे थे। और आज जैसे ही सूचना मिली कि इसका मूवमेंट हो रहा है रेल बाजार थाना क्षेत्र में, ये सो रेल बाजार महफोर्स के यहाँ पे मौजूद रहे। और उसने जैसे ही पुलिस को देखा उसने फायरिंग करी। अच्छा ये था कि ये सो रेल बाजार पहले से प्रिकॉशन थे और इन्होंने अपना बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, गोली इनके जैकेट पे लगी। और इन्होंने जब अभी फायरिंग की तो यहाँ पे काउंटर में उसको गोली लगी, उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनडीपीएस के तहत जो कार्रवाई हो रही है, अभी कल देखा आपने 10 किलो से ज़्यादा हम लोगों ने चरस पकड़ा था, पिछले महीने में हम लोगों ने गाजे पकड़े थे। तो एनडीपीएस के तहत जो कार्रवाई हम लोगों की हो रही है, पुलिस कमिश्नर सर का जो निर्देश है उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और ये मैसेज दिया जाएगा कि जो भी इस तरीके की कार्रवाई में लिप्त है उस पर सख्त नहीं, घायल नहीं है लेकिन गोली उसने फायरिंग की है हमारे एसओ को। जो प्राइमा फेसी हम लोग को सूचना मिली कि एसओ इंजर्ड हो गए हैं, कंट्रोल रूम से सूचना दिया कि एसओ हमारे इंजर्ड हैं। हम लोग तत्काल यहाँ पे आए, लेकिन जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, गोली मेरे जैकेट पर लगी और ये सलामत है। अच्छी बात यह है कि पुलिस को कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। इस पर मोर देन 25 मुकदमे हैं। ये हिस्ट्री सीटर है, गैंगस्टर है, गुंडा है और स्मैक का कानपुर का एक तरीके से किंग पिन है। ये बहुत बड़ा नोटोरियस है।